ऑल डन, अब जा रहे हैं डे टू की स्टार्ट पे, जो है विजिटिंग दी हवेलीज। तीन हवेली जाने का प्लान है। ऑलरेडी सब लाइन अप हो गए हैं, सब के सब लोग रेडी। तो ये बिब्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हर किसी को, सबको बिब्स मिल गई है, हम भी लेंगे। हमें भी भाई चाहिए। तो कोल्ड स्टार्ट हो गया बाइक का, तो तीनों भाई रेडी हो गए हैं अब स्टार्ट करने के लिए राइड आज की, जो जा रहे हैं हवेली। ठीक है भाई, लोग चले चले। यस, लेट्स गो लेट्स गो। यो फर्स्ट हवेली, जैसे आपने देखा बहुत हवेली है यहाँ पे यार, मतलब मकाने है ही नहीं, हवेली हवेली है सब इस एरिया में। एक्साइटेड टू सी दी हवेली, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करना। तीन हवेली कवर करने वाले हैं, तो फर्स्ट पे भी जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे देखा आपने छोटी छोटी गलियों से होते हुए, हवेलियों के बीच से होते हुए, शॉप्स भी हैं यहाँ पे, और हम पहुँच गए हैं मुरमुरिया हवेली। ये देखो बट आई थिंक हमें जाना है इस वाली में, सेठ दयाराम धीरज गोयल का हवेली। अब हवेली में एंटर करने के बारे में बहुत अच्छी ब्रीफिंग मिली, काफ़ी कुछ बताया मंडावा के बारे में, वास्तु के बारे में बताया, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब हम अंदर जा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग हवेली है, और उसके बारे में जो फैक्ट्स बता रहे हैं हमारे जो गाइड हैं, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फ्रेंड्स, लेट्स गो टू फ्लोर नंबर वन, मीन्स फर्स्ट फ्लोर। हवेली की 600 सीटों का व्यू, वो भी एक बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग हवेली है। आई थिंक हवेली होगी बहुत बड़ी है, इससे भी ज़्यादा हाइट में, इवन सॉर्ट ऑफ फोर्ट ही है। और ये देखो यहाँ पे एक हवेली है, एक उसके पीछे है, और ये हवेली के एंट्रेंस का व्यू, एंट्रेंस के पीछे का व्यू है। मंदिर है यहाँ पे, पुरानी हवेली है ये, उसके सामने भी विश्वनाथ गोयनका हवेली है, भी बहुत बड़ी हवेली है। सच में यार, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी और पुरानी पुरानी हवेली है। फ्रेंड्स, अभी सिर्फ हमने एक हवेली देखी है, और जब मैं छत पे आ गया हूँ, अभी मेरे अलावा कोई छत पे नहीं आया है। बट रियली मंडावा इज सिटी ऑफ हवेलीज, और वाकई में बहुत हवेली है यहाँ पे। दूर दूर तक हवेली, पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं, थोड़ा मेंटेन नहीं है। ये ही थोड़ा सा व्यू था जो आपका 360 डिग्री व्यू बन जाएगा आपके हवेली से। हवेली हमारी वो रहेगी क्योंकि उसमें ऑलरेडी लोग घूम रहे हैं, तो लेट्स सी, शायद इसी में जाना होगा अगले में। वो देखिए, दो फेमस यूट्यूबर, राजीव खटाना भाई और हाईवे रनर मयंक, वो दोनों भी अपने व्लॉगिंग कर रहे हैं। इनके चैनल बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल्स हैं इनके, इनका इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं इनके। हाँ, इनके चैनल सब्सक्राइब करो दोनों भाइयों के, बहुत बढ़िया चैनल्स हैं। पधारो हमारे देश, पधारो हमारे चैनल कर दिया इन्होंने। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, मतलब इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट दोनों, इंटरेस्टिंग चीज़ की यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूट हुई है, और बहुत द वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवी वॉज पीके में जो नाई वाला सीन है ना, वो यहाँ पे शूट हुआ है, एंड बजरंगी भाईजान भी यहाँ पे शूट हुई है, प्लस दो तीन मूवीज़ और बताई थी शूट हुई है, मतलब काफ़ी मूवी शूट हुई है, ये मेजरली इन्होंने भी ये बताई है। जैसे पता चलेगा मैं पता चलाऊँगा आपको। ये हमारा गैंग,
ये भाई तुम इतने लेट कहाँ कहाँ घूम रहे हो? आपने इतनी सीढ़ियाँ चढ़वा दी यार, मैं थक गया था भाई। हवेली में आके सीढ़ी चढ़ोगे यहाँ तो अब एस्केलेटर एलिवेटर्स तो मिलेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल है ना। अब तुम कहोगे ये कोल्ड ड्रिंक पिला दो है ना, ये भी नहीं हो सकता यार। अभी तो दो हवेली और जाना है। पतंग गई ऊपर हवा में भाई, डॉक्टर बद्री विशाल, ये गई पतंग। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने दिखाया था कि एज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट हवेली जो सामने वाली थी वही है गोयनका विश्वनाथ वेकनर हवेली। अब हवेली के अंदर जा रहे हैं। ये तो उससे काफ़ी बड़ी हवेली है और काफ़ी ब्यूटीफुल है। आई थिंक ये हो सकता है थोड़ी नई होगी या थोड़ी मेंटेन है। वेरी नाइस। ये सारा सब फ्लावर यूज़ करके कलर करते थे पुराने ज़माने में, यहाँ पे वैसे ही है। बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग है। थोड़ी सी वेल मेंटेन नहीं है तो ये देखो ये भी इसका एक पार्ट हो चुका है। अभी ये दिखा दें आपको किचन, ये देखो पुराने ज़माने का चूल्हा और ये मटके। हाँ ऊपर ही मुकड़ी जाना, थोड़ी मेंटेन नहीं है ये हवेली है ना। वाह ये पूरा वुड वर्क है, पूरी लकड़ी है ये, कितनी बारीकी से काम हो गया इसमें, अमेजिंग है। वाह ये रूम है और आई थिंक ये वही है जिसमें जो हैंड फैन है जो है ना, पीछे बेड होगा ऊपर ये हैंड फैन के लिए चलाते रहो और ये पंखा हवा चलती रहेगी। हाँ ये ऊपर है ना, इसमें पंखा लटकता होगा पुराने ज़माने पर। इस बालकनी का व्यू दिखाते हैं आप। खैर अभी तो खैर शहर बस गया। तो फ्रेंड्स देखा आपने, जैसे मैं इसकी भी छत पे आ गया हूँ अकेले ही, सबसे पहले आ गया हूँ, कोई नहीं आया अभी तक, मे भी लोग देखे तो आ जाए, बट एनीवेज आ गया हूँ। तो यहाँ से अगेन वही व्यू है, सामने वही सेम व्यू है, लेकिन हवेली ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, बड़ी है। इसमें जो आर्ट वर्क है वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, डोर्स बड़े प्यारे प्यारे हैं, दीवार की पेंटिंग बहुत अच्छी है। तो ये भी हवेली कवर हो गई, आप चलते हैं नेक्स्ट हवेली की तरफ। एक खिड़की है देखो वीडियो पे। सामान रखा हुआ इसमें पुराना। सो फ्रेंड्स हवेली टूर ख़त्म और हम लोग पीछे छूट गए फोटोग्राफी करते करते और बस पहुंच रहे हैं अब पार्किंग पे एंड देन आई थिंक बैक टू रिजॉर्ट। तो वापस ले चलते हैं आपको रिजॉर्ट। पहुंच गए हैं वापस रिजॉर्ट में अपने और यहाँ पे पीछे देखो वो खड़ी है 5 विंटेज कार्स, सारी शेवरले की हैं। वो प्लिमथ है, शेवरले की पेरेंट कंपनी की, इसकी प्लिमथ कंपनी का ही प्रोडक्ट कंपनी हो। ब्यूइक के हमारे पास बहुत गाड़ियाँ आती थी इंडिया में, बैजिंग कीट मास्टर करके जो है, बैजिंग इसकी कीट मास्टर। जब ब्रिटिशर्स आए थे उस समय कार ऑफ द रॉयल्स ये और ब्यूइक मानी जाती थी, ह्यूज ट्रक है। और ये देखो ये तो लग रहा है कि हैंडमेड है ये बैजिंग।
तो दोस्तों पहुंच गए हैं और यहाँ पे एक्टिविटीज भी हैं। ये है एक एक्टिविटी, शूट द बलून। तो दोस्तों लेट्स ट्राई दिस गेम। ये सोंगड़ी की सब्जी, पापड़ मंग रोटी, ये बाटी ले लिया मैंने। हाँ ये कड़ी तो खैर कड़ी है, बाकी ये भी थोड़ी यूनिक चीज़ है, चटनी और अचार। टमाटर की चटनी, मिर्ची, हाँ ये खाएंगे आप। थोड़ा आज वेज खाना है क्योंकि कैसे कर लिया लंच? नहीं आप लोगों का इंटरव्यू, आप ही लोगों को कवर कर रहा हूँ मैं। हो गया लंच? निकू भाई बाइक ठीक हो गई तुम्हारी? गला खराब हो गया मगर क्या वेट कर रहे हो रोटियों का? इवेंट वगैरह तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब हम बाहर आए हैं चाय पीने के लिए, चाय थोड़ी है नहीं और रूम में जो चाय है वो पाउडर टी है तो मज़ा नहीं आता। तो अब हम फाइनली मतलब अब हम जा रहे हैं डे टू की पार्टी पे, गैला नाइट पे। तो पहुंच गए, देखो वेन्यू दिखा था आपको, ये देखो दोस्तों ज़बरदस्त अरेंजमेंट है। शक्ल तो हमारी दिख नहीं रही बट हम इधर आ गए टीले पे घूमते फिरते पार्टी के बाद। दिखाता हूँ आपको, ये देखो दिख रही है आपको पूरी रेत, ये रेत पे आ गए हम। सामने रिजॉर्ट है स्टार गेजिंग करने के लिए। ऐसे इतने क्लियर नहीं दिख रहे बट स्टिल मज़ा आ रहा है बैठने में। कल हम निकलेंगे दिल्ली के लिए बट शक्ल नहीं दिख रही यार। सो मॉर्निंग एवरीवन, जैसे कल आपने देखा खूब मस्ती हुई और जब पार्टी ख़त्म हुई उसके बाद हम गए उस रेगिस्तान के छोटे टीले में जहाँ मंदिर था। थोड़ी देर टाइम स्पेंड करी, हल्की सी नींद भी आ गई, इतना शांत था वहाँ। जब फन था रही बहुत ठंडी थी, मज़ा आ गया। अब उसके बाद सो गए, अभी ब्रेकफास्ट भी करके आ गए हैं, अब वापसी की तैयारी है। अब ये नहीं पता कि अभी क्लोजिंग सेरेमनी कुछ होगी नहीं होगी क्या होगा, बट एनीवेज तैयारी करते हैं। अगर नहीं हुई तो नोएडा के जितने राइडर्स सारे साथ मिलकर निकल जाएंगे, अदरवाइज लेट्स सी क्लोजिंग सेरेमनी क्या है, क्लोज करके फ्लैग ऑफ करके अपना दिल्ली के लिए निकलेंगे। ठीक है, तो आपको मिलते हैं दिल्ली के हाईवे पे।